दोस्तों हमारे पास आया हुआ बाइक का नाम है कमांडो। हमारे पास गाड़ी आया हुआ था, बंद थी। जो टाकी है, टाकी के अंदर पूरा पानी चले गया हुआ था, इसलिए मैंने इसका क्या किया, टाकी ओपन करके मैंने इसका पूरा पेट्रोल निकाल के पूरा इसका अच्छी तरह से क्लीन कर दिया और वापस टाकी फिटिंग कर दिया। अभी हमारे पास खाली यही काम के लिए आया हुआ था। अभी मैं इसमें आपको कूलन का तरीका, चार्जर किधर आता है, CDI किधर है, स्टार्टर रिले किधर है, प्लेसर किधर है, एयर फिल्टर और बैटरी का ये सिस्टम कहाँ कहाँ किधर है गाड़ी में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें अपना जो होता है, आप इजी से हमारा वीडियो के थ्रू से आप इसमें काम इजी से कर सकते हो, आप खोल सकते हो। अभी मैं आपको फर्स्ट नंबर क्या बताने जा रहा हूँ, कूलन का। अगर कूलन को आपको चेक करना है, कूलन इसमें है या नहीं है, उसका आप तरीका बता रहा हूँ चेक करने का। अभी ये जो कवर है, कवर खोलने के बाद, ये जो कवर पूरा ओपन करने के बाद यहाँ एक उसका कैप आता है कूलन का, तो आप इसमें खोल के उसको देख सकते हो, कूलन डाल सकते हो। ये है राइट साइड में, ये आपको कूलन का बता दिया हूँ। और ये जो गाड़ी है एग्जर्टर नहीं है, जिसमें कार्बोरेटर लगा हुआ है, कार्बोरेटर का देख लीजिए, कार्बोरेटर लगा हुआ है, इधर कार्बोरेटर इधर लगा हुआ है। अब इसका एयर फिल्टर बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपको एयर फिल्टर अगर खोलना है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये लॉक है, इसमें ये लॉक खोल के पीस बाहर आता है, पीस के बाद आने के बाद एक कवर ओपन नहीं होने वाला है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो छोटा कवर है इसमें कोई स्क्रू नहीं है, स्क्रू ये कवर खोलना पड़ता है, इसको ईजी से बाहर आ जाता है। थोड़ा से पीछे साइड में पुश करना चाहिए, पुश करने के बाद एक कवर बाहर आता है। फिर कवर बाहर आने के बाद इसमें दो स्क्रू लगा हुआ, दोनों स्क्रू खोलने के बाद एक कवर खुलता है, फिर आप इसमें एयर फिल्टर का काम कर सकते हो। ये एयर फिल्टर का अगर आपको सफ़ा करना है, एयर फिल्टर चेंज करना है, इसका तरीका है इधर का खोलने का राइट साइड में। अब आपको बताने जा रहा हूँ CDI का, ये देख लीजिए। पहले तो आपको सीट को ओपन करना है, सीट में पीछे वाला सीट में जो होता है उसमें एक बोल्ट लगा हुआ है 10 नंबर का, जो आगे की सीट है इसमें 2 बोल्ट लगा हुआ है। ये दोनों बोल्ट ओपन करोगे तब सीट बाहर आता है, सीट के नीचे सब चीज़ है। ये CDI है, ये इंडिकेटर प्लेसर है, जो इंडिकेटर बंद चालू करता है इसका नाम है प्लेसर, इसका CDI। और ये स्टार्टर रिले, कभी आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप इसमें बैटरी में डायरेक्ट है, जैसे पल्सर सिस्टम है उसमें फंस के आप इसमें चेक कर सकते हो, डायरेक्ट लगा के शॉर्ट करके आप इसमें चेक कर सकते हो हमारा स्टार्टर का प्रॉब्लम है कि रिले का प्रॉब्लम है, ये आप इधर चेक कर सकते हो। आपको मतलब सीट उसको ओपन करना ही है। अभी मैंने आपको बता दिया प्लेसर, इंडिकेटर, CDI, स्टार्टर रिले, इधर 1 2 3 चीज़ है। अब आपको बताने जा रहा हूँ बैटरी। अब बैटरी जो होता है, बैटरी साइड में आया, बैटरी जो होता है लेफ्ट साइड, एयर फिल्टर राइट साइड। अभी मैं आया हूँ लेफ्ट साइड में। अगर इसको भी आपको बैटरी वगैरह निकालना है तो यहाँ मैंने कवर को मैंने ओपन किया हूँ, यहाँ स्क्रू लगा हुआ रहता है, ये देखिए स्क्रू को ओपन करके कवर को मैंने बाहर निकाल दिया हूँ। अभी इसको भी ओपन करना है जिस तरीका बताया, इसी तरीका इसको भी बाहर थोड़ा पुश करना है, हल्का से इसको करोगे तो इसमें दो ऐसे लबड़ लगा, उसमें डिस्टेंस लगा हुआ रहता है, छोटा से बना हुआ रहता है, इसके अंदर घुसा हुआ रहता है, थोड़ा सा इसको निकालना है, इसको ज़बरदस्ती नहीं खींचना, हल्का से स्क्रू ड्राइवर करके निकालना है, तो आपको बैटरी फ्यूज निकाल सकते हो। इसमें भी 2 स्क्रू लगा हुआ है, ये दोनों स्क्रू ओपन करने के बाद तभी आपका ये कवर बाहर आएगा, तभी आप इसको बैटरी को चार्जिंग में देना है या बैटरी के कुछ अंदर प्रॉब्लम है तो आप इसको ईजी से कर सकते हो। अभी मैंने बता दिया था बैटरी का, अब आपको बताने हैं उसको चार्जर की जरिए। चार्जर जो होता है टाकी ओपन करने के बाद इसका जो चार्जर होता है, चार्जर आपको दिखा दे रहा हूँ, चार्जर की जाता है ये देखिए, यहाँ चार्जर लगा हुआ है। आप अगर टाकी खोलोगे इजी से आप इसमें चार्जर चेक कर सकते हो, अगर चार्जर कॉलम है तो आपको इसको टाकी ओपन करके चार्जर इधर आता है, आप इजी से चेंज कर सकते हो। अगर कुछ कॉलम है यहाँ से भी चेक कर सकते हो। जो कूलन होता है, कूलन का जो छोटा वाला जो एक्स्ट्रा कूलन आता है, कूलन यहाँ आता है, ये देखिए यहाँ छोटा सा एक कैप लगा, इसको आप खोल सकते हो, कूलन इसके अंदर डाल सकते हो,
जब कूलन बड़े वाले में जो कम होता है यहाँ से कूलन चले जाता है, एक्स्ट्रा कूलन लगा हुआ रहता है। अब आपको बताने जाए जो स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग इसका राइट साइड में स्पार्क प्लग भी लगा हुआ है, आप स्पार्क प्लग इजी से खोल सकते हो। अभी स्पार्क प्लग आपको बताया ना, स्पार्क प्लग भी दिखा दे रहा हूँ आपको ये वीडियो के अंदर। ये देखिए स्पार्क प्लग इधर आता है, तो आपका स्पार्क प्लग अगर आपको कुछ खोलना है तो आप इधर से राइट साइड में स्पार्क प्लग है वो खोल के आप चेक कर सकते हो, स्पार्क प्लग शॉर्ट है या क्या चीज़ प्रॉब्लम है, केप खराब है या प्लग खराब हुआ रहेगा, तो आप इसमें खोल के चेक कर सकते हो। प्लग राइट साइड में आपको हमारा अगर काम जैसे मैंने बताया है तरीका आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और कभी भी गाड़ी ऐसे हमारे पास आता रहेगा तो आपको वीडियो अपलोड करके दिखाता रहूँगा।